दोस्तों आज के दिन गोल्ड कहाँ ट्रेड कर सकता है, क्योंकि प्रीवियस टाइम अगर हम देखते हैं तो एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे अपसाइड हमें देखने को मिला, लेकिन इसके बाद यहाँ पे गोल्ड एक साइडवेज हो चुका है। यहाँ पे कल हमने जो एनालाइज किया था, कल रेसिस्टेंस एरिया मार किया था, मार्केट ने उस रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट तो किया बट सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे आप देखिएगा कल जो रेसिस्टेंस एरिया हमने मार किया था, मार्केट ने बहुत अच्छे से इस एरिया को प्रीवियस टाइम रेसिस्टेंस लिया था, इसके बेस पे कल दिन यहां से हमने रेसिस्टेंस मार किया। मार्केट ने इस रेसिस्टेंस को अच्छे से रिस्पेक्ट भी किया है, ब्रेकआउट किया बट सस्टेन नहीं कर पाया। हालांकि इसको ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे हम ये यहां पे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इंस्टेंट यहां से बुलिश कैंडल बनाया लेकिन डाउनफॉल कर दिया। अभी यहां पे मार्केट एक रेसिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, बहुत अच्छा एक अप मूव दिया है, यहां पे अब होल्ड कर रहा है। तो क्या होल्ड करने के बाद एक नया हाई यहां पे लगा सकता या फिर डाउनफॉल कर सकता है? हम छोटे टाइम फ्रेम में समझते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में समझते हैं किस तरीके का सेटअप आज के दिन हमें गोल्ड में दिख रहा है और कैसे आज हम गोल्ड में एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको एनालाइज पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, थोड़ा हेल्प मिलता है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को हिट कर लो ताकि ऐसे ही सिंपल टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए ये तो हुआ हमारा आज का फिर से एक रेसिस्टेंस, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया है, मार्केट रेसिस्टेंस को टाइम स्पेंड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, बहुत अच्छा सा रेसिस्टेंस है। लेवल की बात करते हैं 2041.787 एंड 2033.395 का ये एक रेसिस्टेंस है। ट्रेडर्स ध्यान दीजिएगा, अगर इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद यहां से रिटेस्ट के बाद एक बुलिश शो करता है तो यहां पे एक नया रेसिस्टेंस हमें जो दिखाई दे रहा है, नया रेसिस्टेंस यहाँ पे ये वाला दिखाई दे रहा है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट करने जा सकता है, जिसको रेसिस्टेंस लेने जा सकता है। ये रेसिस्टेंस हमने क्यों मार किया है, मैंने कल के दिन भी आपके साथ ये चीज एक्सप्लेन किया था, आज फिर से बताना चाहूंगा। देखो मार्केट ने इस लेवल को बुलिश नहीं शो कर रहा था, मार्केट ने यहां से टाइम स्पेंड किया, ठीक है, थोड़ा सा बेरिश कैंडल बनाया, इसके बाद इंस्टेंट एक अप मूव आया। अगेन मार्केट जब ब्रेक डाउन कर रहा था तब भी मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, टाइम स्पेंड किया, इसके बाद मार्केट ने डाउनफॉल किया। तो अभी अगर इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है यहां से तो प्रोबेबिलिटी है कि जो नया रेसिस्टेंस सेकंड नंबर का रेसिस्टेंस निकल के आ रहा, हमारा ये वाला रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है। लेवल कौन सा है चेक कर लेते हैं, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करें 2071.964 2063.770 का ये सेकंड वाला रेसिस्टेंस एरिया हमें दिखाई दे रहा है। मार्केट ने अभी टाइम स्पेंड किया है, फर्स्ट वाला जो रेसिस्टेंस है टाइम स्पेंड किया है, तो जैसे अभी ये अप मूव आया था ऐसा ही हो सकता है मैं भी यहां से ब्रेकआउट करने के बाद अगर बुलिश नहीं शो करता तो एक अच्छा अप मूव हमें देखने को मिल सकता है, या यहां से डाउनफॉल भी कर सकता है। अब डाउनफॉल कितना कर सकता है, ठीक है, हम कैसे यहां से आइडेंटिफाई करें कि हां अब यहां से डाउनफॉल कर सकता है, तो उसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं, वहां पे हमें अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मैं यहां से 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूं, ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। ट्रेडर्स चार्ट को थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं ताकि हमें क्लियर यहां से समझ में आए। अब ध्यान से देखो यहां पे किस तरीके से गोल्ड ट्रेड कर रहा है। अभी ये जो रेजिस्टेंस है ना एक घंटे का, मैं थोड़ी देर के लिए इसे साइड में कर देता हूं, ये मैंने थोड़ा साइड में कर दिया। अब सबसे पहले यहां पे मैं दिखाना चाहूंगा कल 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो हमने एक सपोर्ट मार किया था, देखो मार्केट ने इस लेवल को ट्रेडर्स बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, ठीक है, ये देखो काफी अच्छे से मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, मल्टीपल टाइम इस लेवल का सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, देखो सपोर्ट लेने के बाद ही यहां से मार्केट ने अगेन सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद देखो यहां से बुलिश ने शो किया, अगेन सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, अगेन यहां से डाउनफॉल कर दिया, हमारे सपोर्ट को फिर से टेस्ट किया, फिर से बुलिश ने शो करा। तो अभी ध्यान से देखो मार्केट इस सपोर्ट को कितने अच्छे से सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट के साथ साथ यहाँ पे एक रेसिस्टेंस एरिया भी हम मार करना चाहेंगे। कौन सा रेसिस्टेंस हो सकता है जिसको मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट कर रहा है? सो ट्रेडर्स ये जो रेसिस्टेंस है जो यहाँ पे हमने अभी मार किया है ये भी काफी अच्छा एक रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है। क्यों रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है? इस लेवल को मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट किया, रेसिस्टेंस का सस्टेन नहीं कर पाया, इंस्टेंट डाउनफॉल कर दिया, सपोर्ट लिया, अगेन रेसिस्टेंस के आसपास, सपोर्ट लिया, अगेन रेसिस्टेंस के आसपास। ध्यान से देखो मैं
आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाई है, मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, ये एक सपोर्ट है और ये एक रेसिस्टेंस एरिया है। सो ट्रेडर्स, यहाँ पे अगर इस रेसिस्टेंस का ध्यान समझना, अगर इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है और रिटेस्ट करने के साथ यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिलता है, बुलिशनेस यहाँ पे शो करता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है जो सेकंड वाला हमने रेजिस्टेंस मार्क किया है उस लेवल के आसपास हमें रेसिस्टेंस लेता हुआ गोल्ड देखने को मिल सकता है। और सेकंड, ये सपोर्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से 50-50% चांसेस है ट्रेडर्स, क्या है 50-50% चांसेस है कि मार्केट ब्रेकआउट करे या फिर ब्रेक डाउन करे। इसलिए यहाँ पे अगर इस सपोर्ट का भी ब्रेक डाउन हो सकता है सपोर्ट का भी यहाँ पे ब्रेक डाउन करे, और सपोर्ट का भी ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से डाउनफॉल करता हुआ भी गोल्ड हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम किस तरीके से एक्स्ट्रा यहाँ से और कंफर्मेशन ले सकते हैं। देखो यहाँ पे हम चाहे तो एक ट्रेंड लाइन को कंफर्मेशन के लिए ऐसा करके ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से बेरिश कैंडल कहाँ से मार्केट ने बनाई है, हमारी ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस लिया है, रेसिस्टेंस लेने के बाद ही देखो यहाँ से बेरिश कैंडल बन रही है। अब ये वाला लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ट्रेडर्स, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर हम यहाँ से फिबो को मार करते हैं, हाई टू लो, क्या करना हमें, हाई से पकड़ना है और लो तक फिबो को मार कर देना है, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये फिबो का एक काफी अच्छा लेवल है। ध्यान से देखो कौन सा लेवल है, 0.618% का जो रेसिस्टेंस हमने मार किया ना, 0.618% का, और यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन का जो यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है 0.5% का लेवल निकल के आ रहा है, तो ये एक रेसिस्टेंस एरिया है। क्या है, पूरा एक रेसिस्टेंस एरिया है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट यहाँ से डाउनफॉल करे, और देखो अभी मार्केट यहाँ कर भी रहा है, कहां तक कर सकता है, हमारे सपोर्ट के आसपास। लेकिन यहाँ पे एक बड़े मूव के लिए सपोर्ट का ब्रेकडाउन होना बहुत जरूरी है, ब्रेकडाउन करने के बाद रिटेस्ट वगैरह करता है और यहाँ से कोई हमें बेरिश कैंडल बनती हुई देखने को मिलती है कंफर्मेशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि डाउनफॉल करे। अप साइड अगर आप देख रहे हैं तो रेसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स, रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट के बाद ही आप यहाँ से कंफर्मेशन ले बाइंग के लिए। तो ऐसा करके आज के दिन हम गोल्ड में एक सिंपल सा इजी सा एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने एक घंटे के टाइम फ्रेम में भी रेसिस्टेंस को मार करके देखा और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे हमने एक सिंपल सा एनालाइज कुछ इस तरीके से किया। मार्केट अभी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ, ट्रेडर्स आपने ध्यान दिया होगा अगर जब भी मार्केट एक रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है तो बहुत अच्छा मूव देता है। जैसे कि अभी मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया था अपसाइड, इसके बाद रेंज बनाई है, एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। ठीक है, अब जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है तो अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूं आप भी इस तरीके से परफेक्ट अपना इजी सपोर्ट रेसिस्टेंस मार कर पाएंगे, आप भी इस तरीके से अपना एक सिंपल सा एनालाइज कर पाएंगे। वीडियो आपको पसंद आई, इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ ट्रेडर्स, जो हमने यहाँ पे एनालाइज किया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन मार किया है, इस इमेज को मैं आपके साथ जस्ट अभी टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा ताकि आप उस इमेज को देखकर अपना खुद से परफेक्ट एनालाइज कर पाए। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।